Bismillah rrahman Alaikum dear viewers. I welcome you once again on our behalf of Math Box. It's Nusad Mumtaz. Our here to deliver the next lecture of class tenth, unit number two, exercise two point two. Before moving towards our lecture, I request you to subscribe the Math Box and press the bell icon. Okay. Let's move towards our lecture. हमने क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आज यहाँ पे हम वो उन प्रॉपर्टीज़ की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से हम उन प्रॉपर्टीज़ को इन प्रॉब्लम्स पे इम्प्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हमारे पास वही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो के हमारे पास डिफरेंट जो है डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास आएंगी तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास इसको देख लेते हैं इवेल्यूएट वन माइनस उमेगा माइनस उमेगा स्केयर होल पावर सेवन आपने इसको क्या करना है इवेल्यूएट करना है इवेल्यूएट मीन आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्वेश्चन है वन माइनस उमेगा माइनस उमेगा स्केयर होल पावर सेवन तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें ब्रैकेट के अंदर वन माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर है आप यहाँ माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर इन दोनों में से आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं अंदर आपके पास क्या रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर तो अब आपने ये पढ़ा था कि सम ऑफ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू वन कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो मतलब आपके पास यूनिटी की जो तीनों क्यूब रूट्स हैं उनका सम जो है वो जीरो के इक्वल होता है मतलब वन प्लस उमेगा प्लस उमेगा स्केयर इज इक्वल टू जीरो तो अगर मैं यहाँ से उमेगा प्लस उमेगा स्केयर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी माइनस वन मैंने क्या किया इस उमेगा प्लस उमेगा स्केयर की जगह पर यह वैल्यू यहाँ पे माइनस वन पुट कर दी अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा वन प्लस वन तो वन प्लस वन मिलकर आपके पास टू बन जाएगा तो टू की पावर सेवन का मतलब क्या है कि आप टू सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं। तो जब आप टू को सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा वन ट्वेंटी एट ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास आपको ये वाले फार्म ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको जब तक याद नहीं होंगी तब तक आप इन आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते ये बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं आपने एक दफ़ा इनको मेमराइज़ करके राइट ज़रूर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन क्या है वन माइनस थ्री यू मेगा माइनस थ्री यू मेगा स्केयर होल पावर फाइव अब आप ऐसा करें इस ब्रैकेट के अंदर देखें आप माइनस थ्री ओमेगा एंड माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर तो आपके पास माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा अंदर रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसी प्रॉपर्टी के तहत आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन पुट कर दिया अब माइनस थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस थ्री थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर ऊपर आपके पास पावर क्या चल रही है फाइव चल रही है तो फोर पावर फाइव आपके पास क्या आता है वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर फोर पावर फाइव का क्या मतलब है कि आपने फोर को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नाइन प्लस फोर ओमेगा प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर फोर ओमेगा फोर सॉरी आपके पास कॉमन आ रहा है ठीक है वैसे तो उमेगा भी कॉमन आ रहा है लेकिन हम उमेगा इसलिए कॉमन नहीं लेते क्योंकि हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में उस पर प्रॉपर्टी जो है वो लगानी होती है तो इसलिए हम जो है वहाँ पे उमेगा कॉमन नहीं लेते देखें अब यहाँ पे मैंने फ़ोर कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या रह गया उमेगा प्लस उमेगा स्केयर अब इसी वाली प्रॉपर्टी के तहत उमेगा प्लस उमेगा स्केयर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं माइनस वन तो प्लस माइनस माइनस नाइन में से फोर माइनस करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइव ऊपर आपके पास पावर क्या चल रही है थ्री चल रही है फाइव पावर थ्री मीन्स फाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो जब आपने फ़ाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर फोर अब पार्ट नंबर फोर को हम रीड कर लेते हैं वो है आपके पास टू प्लस टू मेगा माइनस टू मेगा स्क्वायर एंड थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आपके पास अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टू और टू ओमेगा में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है टू अंदर आपके पास क्या रह जाएगा वन प्लस ओमेगा अब बात यह है कि मैं चाहती तो टू मेगा और टू मेगा स्केयर में से भी टू कॉमन ले सकती थी लेकिन अंदर मेरे पास क्या बचना था फिर उमेगा माइनस उमेगा स्केयर और उमेगा माइनस उमेगा स्केयर जो है वो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी में हमने उमेगा माइनस उमेगा स्केयर नहीं पढ़ा जबकि हमने उमेगा प्लस उमेगा स्केयर पढ़ा है कि वो किसके इक्वल होता है हमारे पास माइनस वन के इक्वल होता है तो इसीलिए लिए यहाँ से मैंने टू मेगा और टू मेगा स्केयर में टू और 2 टू उमेगा, 2 2 उमेगा में से टू कॉमन लिया ताकि अंदर मेरे पास क्या आ जाए वन प्लस उमेगा अब ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास वन प्लस उमेगा प्लस उमेगा स्केयर यहाँ से आप वन प्लस उमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज माइनस उमेगा स्केयर तो इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन में से मैंने क्या किया है थ्री और थ्री ओमेगा स्केयर में से थ्री कॉमन ले लिया है यहाँ पे भी वही सेम रीज़न है कि मैंने थ्री और माइनस थ्री ओमेगा में से थ्री कॉमन क्यों नहीं लिया क्योंकि अंदर मेरे पास वन माइनस ओमेगा बाद जाना था और वन माइनस ओमेगा हमारे पास किसी प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं हुआ तो आपने क्या किया थ्री और थ्री ओमेगा स्केयर में से थ्री कॉमन ले लिया अंदर आपके पास क्या रहेगा वन प्लस ओमेगा स्केयर विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी तो अब आप क्या करें वन प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्केयर पुट कर देंगे माइनस टू ओमेगा स्केयर एज इसी तरह माइनस ओमेगा की जगह पे सॉरी वन प्लस ओमेगा की जगह पे आप माइनस ओमेगा पुट कर दें अकॉर्डिंग टू दिस तो यहाँ पे आपके पास माइनस थ्री ओ एज इट इज आ जाएगा ये बन जाएगा माइनस टू ओ स्केयर और माइनस टू मेगा स्केयर यह बनेगा माइनस थ्री ओ और माइनस थ्री ओ माइनस माइनस को आप लिखते माइनस हैं करते प्लस हैं ये बन जाएगा माइनस फोर ओमेगा स्केयर एंड देन माइनस 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 थ्री ओ एंड माइनस थ्री ओ विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स ओमेगा अब ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें माइनस माइनस प्लस सिक्स फोरज आर ट्वेंटी फोर ओमेगा स्क्यर और उमेगा मिलकर आपके पास क्या बनेंगे ओमेगा क्यूब अब ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू वन बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू वन तो यहाँ से ओमेगा क्यूब आपके पास वन आ जाएगा इसकी वैल्यू आप पुट कर दें तो आपके पास एज आ होल जो आंसर आएगा वो क्या होगा ट्वेंटी फोर जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रखना है और उन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री होल पावर सिक्स प्लस माइनस वन माइनस के रूट ऑफ माइनस थ्री होल पावर सिक्स अब अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री आपने ये पढ़ा था कि उमेगा किसके इक्वल होता है माइनस वन प्लस के रूट ऑफ़ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू के तो ये जो टू डिवाइड है इसको मैं अगर दूसरी साइड पर लेकर कर जाऊँ तो ये टू उमेगा बन जाएगा तो माइनस वन प्लस के रूट ऑफ़ माइनस थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी टू उमेगा तो मैंने माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री की जगह पे यहाँ पे क्या पूरा है टू ओमेगा इसी तरह उमेगा स्केयर आपके पास क्या होता है माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू ये टू डिवाइड है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये टू उमेगा स्केयर बन जाएगा तो फिर ये आपके पास प्रॉब्लम क्या वैल्यू बनेगी माइनस वन माइनस के रूट ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी टू उमेगा स्केयर बस नेक्स्ट सिंपल है आप इसको सिंप्लीफाई कर लें टू पावर सिक्स आपके पास क्या होता है सिक्सटी फोर टू पावर सिक्स का ये मतलब है कि आप टू को सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं एंड उमेगा पावर सिक्स इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा टू की पावर सिक्स अगेन सिक्सटी फोर और उमेगा स्केयर की पावर सिक्स ओमेगा की पावर टू है और फिर अगेन पावर सिक्स है तो सिक्स टूज आ पावर क्या हो जाएगी ट्वेल्व सिक्सटी फोर आप कॉमन ले लें अंदर रह जाएगा ओमेगा की पावर सिक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर सिक्स को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर मैंने इसको ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ही क्यों लिखा है मैं इसको ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी तो लिख सकती थी क्योंकि ओमेगा क्यूब आपने पढ़ा है कि वो वन के इक्वल होता है तो इस एक्सप्रेशन को मज़ीद इजी बनाने के लिए मैंने इसको क्या लिखा है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इसी तरह ओमेगा पावर ट्वेल्व है इसको मैंने लिखा है उमेगा क्यूब पावर फोर सेम वही रीजन क्यों उमेगा क्यूब आपके पास वन होगा तो आपने इसको किस तरह से लिख लिया थ्री के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया उमेगा क्यूब पावर फोर तो यहां से उमेगा क्यूब जहां जहां है वहां वहां आप वन पुट कर सकते हैं यहां पे भी वन आ जाएगा आपको पता है वन के आप जो मर्जी पावर ले लें आंसर आपके पास हमेशा वन नहीं आता है यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा वन तो वन प्लस वन टू सिक्सटी फोर को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एज अ होल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन ट्वेंटी एट लेट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है आपके पास माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू होल पावर नाइन प्लस माइनस वन माइनस के रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू होल पावर नाइन अब अगर ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन देखिए आपके पास माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू इसको हमने किसके इक्वल एज्यूम किया हुआ था उमेगा के इक्वल और सेकंड जो है आपके पास माइनस वन माइनस के रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड टू वो आपका किसके इक्वल हमने स्पोज़ uh, किया था उमेगा स्केयर के इक्वल तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे अब यहाँ पे ये बनेगा आपके पास ओमेगा की पावर नाइन एंड सेकंड आपके पास ओमेगा की पावर ये एटीन अब ओमेगा की पावर नाइन को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब एंड देन अगेन क्यूब मतलब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो के थ्री थ्रीज आर अगेन क्या आप बना देंगी नाइन इसको ओमेगा क्यूब में ही मैंने क्यों लिखा है क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है वन के सिमिलरली ओमेगा की पावर एटीन है इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब की पावर सिक्स मतलब ये अगेन सिक्स थ्रीज आर एटीन ही पावर बनेगी मैंने इसको किस में लिख दिया ओमेगा क्यूब की पावर में लिख दिया अब यहाँ से ओमेगा क्यूब जहाँ पे भी है वहाँ आप वन पुट कर दें वन वन पावर थ्री विच विल गिव्स यू वन एंड वन पावर सिक्स इज़ अगेन वन तो वन प्लस वन आपके पास क्या आ जाएगा टू तो आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ओमेगा पावर थर्टी सेवन उमेगा पावर थर्टी एट माइनस थर्टी फाइव ओके okay. अब अगर आप गौर करें तो थर्टी सेवन जो है आपके पास वो थ्री का मल्टीपल नहीं है ठीक है मतलब थ्री के टेबल में आपके पास थर्टी सेवन नहीं आता तो थर्टी सेवन को मैं लिख सकती हूँ उमेगा की पावर थर्टी सिक्स इंटू उमेगा अब थर्टी सिक्स में इसको क्यों लिखा है क्योंकि थर्टी सिक्स जो है वो थ्री का मल्टीपल है थर्टी सिक्स थ्री के टेबल में आता है इसी तरह ओमेगा की पावर थर्टी एट है थर्टी एट भी थ्री के टेबल में नहीं आता तो इसको मैं लिख सकती हूँ उमेगा की पावर थर्टी सिक्स इंटू उमेगा स्क्यर और माइनस फाइव ओके okay, अब ये ओमेगा की पावर थर्टी सिक्स जो है इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब की पावर ट्वेल्व अब यहाँ पे हमें पता चला कि इसको एक्चुअली लिखने का मकसद क्या था थर्टी सिक्स इसको हमने इसलिए लिखा था ताकि हम इसको ओमेगा क्यूब की कोई पावर दे सकें तो ओमेगा क्यूब की पावर ट्वेल्व आपके पास क्या अजएगी? आ जाएगी यहाँ से आपके पास ओमेगा क्यूब की पावर ट्वेल्व में हमने लिखा है इसको ट्वेल्व थ्री हज़ार थर्टी सिक्स आपके पास वही वाला पावर दोबारा बन जाएगी तो ओमेगा क्यूब पावर ट्वेल्ल इंटू उमेगा एंड ओमेगा क्यूब पावर टेल्व इंटू मेगा स्क्र माइनस फाइव अब यहाँ पे जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ वन फुट कर दें क्लियर हो गया यहाँ से आपके पास ओमेगा एंड यहाँ से उमेगा स्केयर वन को उमेगा से मल्टीप्लाई करवा दें और इस तरह वन को उमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करवा दें माइनस फाइव तो यहाँ से उमेगा प्लस उमेगा स्केयर माइनस तो यहाँ से उमेगा प्लस उमेगा स्केर तो माइनस फाइव आ जाएगा आपको पता है ओमेगा प्लस उमेगा स्केयर माइनस वन के इक्वल होता है तो यहाँ पर माइनस वन पुट कर देंगे तो माइनस वन और माइनस फाइव आपके पास आंसर क्या दे देगा माइनस सिक्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो है पढ़ा दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहाँ से आप ये सारे जो लेक्चर्स हैं इनको गो थ्रू कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या कहा गया है यहाँ पे आपको ओमेगा की पावर माइनस थर्टीन दे दी गई है और उसी टर्म में आपको ओमेगा की पावर माइनस सेवनटीन दे दी गई है तो सबसे पहले तो आप ओमेगा की जो पार्ट्स हैं उनको पॉजिटिव बनाएं पॉजिटिव ये पार्ट्स कैसे बन सकते हैं जब आप इनको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये ओमेगा की पावर माइनस है जब मैं इसको यहाँ पर इसका रेसी कर लूँगी तो ये ओमेगा की पावर थर्टीन बन जाएगा और ये ओमेगा की पावर सेवनटीन अगेन थर्टीन जो है वो थ्री का मल्टीपल नहीं है आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर ट्वेल्व इंटू ओमेगा और ओमेगा की पावर सेवनटीन जो है वो भी थ्री का मल्टीपल नहीं है आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा की, की पावर फिफ्टीन इंटू ओमेगा स्केयर अब ओमेगा की पावर ट्वेल्व को आप फर्दर लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर फोर एंड उमेगा पावर फिफ्टीन को आप लिख सकते हैं ओमेगा थ्री पावर फ़ाइव ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप वन पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास वन ओवर वन इंटू ओमेगा एंड वन ओवर वन इंटू ओमेगा स्केयर मल्टीप्लीकेशन करवाने से आपके पास क्या बनेगा ओमेगा और ओमेगा स्केयर अब आपके पास एलसीएम आप यहाँ पे ले लें एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू उमेगा स्केयर तो ये आपके पास एल्सीम आ गया ओमेगा स्केयर प्लस तो आपको पता है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर आपके पास क्या होता है ओमेगा क्यूब होता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू माइनस वन और ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन तो यहाँ से आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन तो व्यूवर्स ये था हमारा आज का लेक्चर अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं आप मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़ टेक केयर